Welcome learners, quick recalling of molecular biology topics by mind map series में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होगी डीएनए टोपोलॉजी। ठीक है, डीएनए टोपोलॉजी में क्या है, अपन क्या क्या पढ़ते हैं, डीएनए टोपोलॉजी क्या होती है, ये सब डिस्कस करेंगे। डीएनए टोपोलॉजी क्या होती है वो एक्चुअली ये एक स्टडी होती है डीएनए के 3D स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट्स की। क्या? डीएनए के 3D स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट की स्टडी होती है। और इसकी कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, कि कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके बेसिस पे ये डीएनए टोपोलॉजी स्टडी की जाती है। पहला तो होता है सुपर कॉइलिंग, कि कितने एक्सटेंट तक डीएनए सुपर कॉइल्ड है, कौन से एंजाइम इन्वॉल्व है इनमें, तो वो होते हैं डीएनए गायरेज एंड टोपो आइसोमरेज, जो डीएनए टोपोलॉजी को डिसाइड करते हैं। इसके अलावा हम डीएनए नॉटिंग या लिंकिंग नंबर के बारे में बात करते हैं, जिसे हमें न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस मिलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलते हैं कि डीएनए किस एक्सटेंट तक जो है वो सुपर कॉइल्ड है या रिलैक्स्ड है। फिर इसकी एप्लीकेशन जो होती है डीएनए टोपोलॉजी की, वो होती है डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के टाइम, ये एक्सेस करने के लिए कि एंजाइम्स और जो प्रोटीन फैक्टर्स हैं जो जाके बाइंड करने वाले हैं वहाँ पे डीएनए पे रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन के लिए, उसके लिए डीएनए का अरेंजमेंट कैसा है, 3D स्ट्रक्चर कैसा है, वो एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए डीएनए टोपोलॉजी की स्टडी की जाती है। इसके अलावा डीएनए पैकेजिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए भी डीएनए टोपोलॉजी की स्टडी करना इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, अब क्या डीएनए टोपोलॉजी के बारे में जब बात करते हैं तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को जानना बहुत ज़रूरी होता है अपने लिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्या होते हैं? सपोज ये जो एक वायर है मेरे पास, इसके पास दो स्ट्रैंड है। ओके, एक रेड वाला जो है, एक रेड वाला है और एक ब्लैक वाला। अगर हम इसे डीएनए के डबल स्ट्रैंड मान लें तो क्या है, अगर मैं इसको राइट हैंडेड क्लॉकवाइज घुमाती हूँ तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव सुपर कॉइल जनरेट करेगा। ओके, क्या करेगा, पॉजिटिव सुपर कॉइल जनरेट करेगा। अपोजिटली अगर मैं इसको लेफ्ट हैंडेड काउंटर क्लॉकवाइज घुमाती हूँ तो ये क्या करेगा, निगेटिव सुपर कॉइल्स जनरेट करेगा। ओके, तो ये समझ में आ गया कैसे कहते हैं। अगर ये स्ट्रैंड है और इसको राइट हैंड क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ट्विस्ट करेंगे, तो क्या होगा, पॉजिटिव सुपर कॉइल जनरेट होंगे। अगर लेफ्ट हैंड है और उसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या, नेगेटिव सुपर कॉइल जनरेट होगा। ओके, अब बात करेंगे रिथ और ट्विस्ट क्या होता है। जब हम लिंकिंग नंबर पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो टू टर्म्स आते हैं वो रिथ होता है और ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट को हम टोपोलॉजिकल बाइंडिंग नंबर भी बोलते हैं, और रिथ जो होता है वो, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं ट्विस्ट और रिथ कैसे होता है। तो यहाँ पे एक निगेटिवली सुपर कॉइल हेलिक्स का एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पे ये अब बता रखा है कि ये 25 जो है, 25 ट्विस्ट हैं और -2 वृत्त है। -2 वृत्त किस बेसिस पे बोला गया है, अगर वो निगेटिवली सुपर निगेटिव वृत्त हैं, निगेटिव सुपर कॉइलिंग के बेस पे, तो वो -2 हो जाएंगे। अगर वो पॉजिटिव हैं तो वो +2 हो जाएंगे। ओके, तो अब ये 25 ट्विस्ट कैसे हैं वो काउंट करते हैं अपन। तो ये हुआ 1। ओके, दिख नहीं रहा होगा ना, ये एक जो है, पहला तो ट्विस्ट का ये है कि नंबर ऑफ कंप्लीट टर्न्स वन स्ट्रैंड मेक अराउंड द डुप्लेक्स, नंबर ऑफ कंप्लीट टर्न्स वन स्ट्रैंड मेक अराउंड द डुप्लेक्स। तो ये कैसा होता है, ये डुप्लेक्स है, इसके अराउंड वन टर्न कैसे कंप्लीट होगा, ये एक वन टर्न कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो एक वन ये हो गया, 2, 3 और ये 4, ये 5, 6, 7
एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव। तो इस तरह से दिख रहा है कि कैसे 25 ट्विस्ट यहाँ पे है। ओके, अब वृत्त किसको बोलते हैं? वृत्त के लिए बोला है नंबर ऑफ टाइम डुप्लेक्स एक्सिस क्रॉस। ओके, कितने बार ये डुप्लेक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है? तो कितने बार कर रहा है? ये कर रहा है वन टाइम एंड टू टाइम। और क्योंकि निगेटिवली सुपर कॉइल है तो ये क्या करेगा? माइनस टू टाइम। ओके, तो ये वृत्त का हो गया माइनस टू और ट्विस्ट कितने हो गए? 25। अब लिंकिंग नंबर अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बता रखा है 23। अब वो कैसे आएगा 23, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, अब अपने को समझ में आ गया कि ट्विस्ट क्या होता है, रिथ क्या होता है, ये एकदम क्लियर है। ये इसको एक कंप्लीट टर्न को डुप्लेक्स के अराउंड क्या बोलेंगे हम? ट्विस्ट बोलेंगे। और ये जो डुप्लेक्स के अराउंड वन डुप्लेक्स जब क्रॉस होगा, वन क्रॉस होगा तो उसको क्या बोलेंगे? वृत्त। ओके, अब बात करेंगे लिंकिंग नंबर। लिंकिंग नंबर क्या होती है? लिंकिंग नंबर जो होती है वो डीएनए के सुपर कॉइलिंग को न्यूमेरिकली डिस्क्राइब करती है। ओके, डीएनए के सुपर कॉइलिंग को निगेटिवली डिस्क्राइब डीएनए के सुपर कॉइलिंग को न्यूमेरिकली डिस्क्राइब करती है। ओके, न्यूमेरिकली डिस्क्राइब करने से इसका मतलब क्या होता है? लिंकिंग नंबर का ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं? लिंकिंग नंबर। और ये कैसे कैलकुलेट होता है? पीछे हमने ट्विस्ट और वृत्त की बात की थी, तो ट्विस्ट प्लस वृत्त। ओके, कहीं कहीं ट्विस्ट को टोपोलॉजिकल वाइंडिंग नंबर करके भी आता है। तो लिंकिंग नंबर कैसे कैलकुलेट होगा? ट्विस्ट और वृत्त को ऐड करने से लिंकिंग नंबर कैलकुलेट होगा। यहाँ एक कंडीशन है कि अगर जो डीएनए है वो क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, तो इस कंडीशन में ट्विस्ट और वृत्त आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे। कि कभी अगर ट्विस्ट की वैल्यू बढ़ गई तो वृत्त क्या होगा? अपने आप कम हो जाएगा। वृत्त बढ़ गई तो ट्विस्ट कम हो जाएगा। लेकिन लिंकिंग नंबर जो है क्लोज सर्कुलर डीएनए में वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। वो दोनों आपस में इंटरचेंज होके वैल्यूज को एडजस्ट करते रहेंगे। लेकिन अगर किसी क्लोज सर्कुलर डीएनए का लिंकिंग नंबर 10 है तो वो 10 ही रहेगा। बाकी उसमें 8-2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 9-1 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ भी होगा, वो आपस में इंटरचेंजेबल होंगे। लेकिन जो लिंकिंग नंबर रहेगा वो 10 ही रहेगा। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे 10 रहता है। बट ये आपको याद रखना है कि एक क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसमें लिंकिंग नंबर क्या होगा? वो कॉन्स्टेंट होगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसके बाद बात करेंगे अगर डीएनए जो है वो रिलैक्स स्टेट में है, उसमें सुपर कॉइलिंग नहीं हुई है, सुपर कॉइलिंग नहीं हुई है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल के नॉट से। एल के नॉट का मतलब है कि डीएनए जो है वो रिलैक्स कंडीशन में है, उसमें अभी सुपर कॉइलिंग या कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल के नॉट से। और एल के नॉट के लिए फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ बेस पेयर। नंबर ऑफ बेस पेयर या ये भी बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर लेंथ कितनी है उसकी, डीएनए की मॉलिक्यूलर लेंथ कितनी है। नंबर ऑफ बेस पेयर अपॉन नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न। ओके, तो इस तरह से हम एल के नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब कि रिलैक्स कंडीशन में डीएनए की लिंकिंग नंबर। इसके अलावा हम एक्सटेंट ऑफ सुपर कॉइलिंग निकाल सकते हैं कि डीएनए जो है वो निगेटिव सुपर कॉइल है या पॉजिटिव सुपर कॉइल है। कैसे निकाल सकते हैं? वो निकाल सकते हैं हम डेल्टा एल के से। डेल्टा एल के को लिंकिंग नंबर डिफरेंस भी बोलते हैं या एक्सटेंट ऑफ सुपर कॉइलिंग भी बोलते हैं। और डेल्टा एल के कैसे निकलता है? डेल्टा एल के निकलता है लिंकिंग नंबर जो बाद में चेंज हुई है, कम हुई है या बड़ी है, प्लस माइनस सॉरी लिंकिंग नंबर जो चेंज हुई है माइनस जो इनिशियल लिंकिंग नंबर है रिलैक्स स्टेट में। जो रिलैक्स स्टेट की लिंकिंग नंबर है उसको हम सुपर कॉइल लिंकिंग नंबर में से माइनस कर देते हैं। तो डेल्टा एल के क्या है? एल के माइनस एल के नॉट। ओके, अगर हमें डेल्टा एल के की वैल्यू, डेल्टा एल के की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलती है, पॉजिटिव इन द सेंस कि एल के की वैल्यू बड़ी है एल के नॉट से,
तो हमें क्या मिलेगा, कोई 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स मिलेंगे, ओके। तो ये क्या होगा, पॉजिटिवली सुपर कॉइल होगा। लेकिन अगर एलके की वैल्यू एलके नॉट से छोटी है, एलके की वैल्यू एलके नॉट से छोटी है, सपोज एलके की वैल्यू 2 है और एलके नॉट की वैल्यू 4 है, तो हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, जो कि डेल्टा एलके होगा। अब डेल्टा एलके की वैल्यू अगर -2 मिल रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि डीएनए जो है वो निगेटिवली सुपर कॉइल है। तो इसके लिए निगेटिवली सुपर कॉइल के लिए वैल्यू डेल्टा एल के कैसे मिलेगी, -2, -3, -4 इस तरह से नंबर्स जो हैं हमें मिलेंगे। तो जब माइनस में मिलेंगे तो हमें समझना होगा कि ये निगेटिवली सुपर कॉइल है, और अगर प्लस में मिलेंगे तो ये पॉजिटिवली सुपर कॉइल है। इसके अलावा बात करेंगे कि स्पेसिफिक लिंकेज डिफरेंस क्या होता है, स्पेसिफिक लिंकेज डिफरेंस क्या होता है, ये एक्सप्रेस करता है सुपर कॉइलिंग को, सुपर हेलिकल डेंसिटी को। स्पेसिफिक लिंकेज डिफरेंस को हम सुपर हेलिकल डेंसिटी भी बोलते हैं, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर हेलिकल डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा एल के अपॉन एल के नॉट। डेल्टा एल के मतलब लिंकिंग नंबर डिफरेंस अपॉन एल के नॉट, लिंकिंग नंबर डिफरेंस अपॉन लिंकिंग नंबर इन रिलैक्स डीएनए स्टेट। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लेते। यहाँ पे कोई डीएनए है रिलैक्स स्टेट में, रिलैक्स स्टेट में ये डीएनए है, इसका इनिशियल लिंकिंग नंबर एल के नॉट दिया हुआ है 200। अब इसमें दो टर्न्स रिमूव किए गए हैं, क्या किए गए, दो टर्न्स रिमूव किए गए हैं, और अब इसकी लिंकिंग नंबर कितनी हो गई है, 198। ओके, तो अब पूछ रहा है लिंकिंग नंबर डिफरेंस क्या है और सुपर हेलिकल डेंसिटी क्या है। तो लिंकिंग नंबर डिफरेंस का हमने देख लिया था क्या होता है, एल के माइनस एल के नॉट। ओके, तो एल के कितना है, 198 माइनस एल के नॉट क्या है, एल के नॉट है 200। ओके, 200, 198 माइनस 200 कितना आएगा, माइनस टू आने से क्या यहाँ पे पता चल रहा है, -2। डेल्टा एल के की वैल्यू -2 में आ रही है, मतलब ये निगेटिवली सुपर कॉइल है। क्या है, निगेटिवली सुपर कॉइल है। ओके, अब अगर इसके लिए सिग्मा की वैल्यू निकालनी हो, सुपर हेलिकल डेंसिटी निकालनी हो, तो क्या करेंगे, डेल्टा एल के अपॉन एल के नॉट, डेल्टा एल के अपॉन एल के नॉट। तो डेल्टा एल के कितना आया है, -2 अपॉन एल के नॉट की वैल्यू कितनी है, 200। ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 0.01। ओके, तो 0.01, तो इस तरह से ये माइनस में, तो इस तरह से सुपर हेलिकल डेंसिटी जो है वो निकलती है। अब आगे बात करेंगे कि जो क्लोज सर्कुलर डीएनए होता है, पीछे मैंने बोला था कि इसमें क्या होता है, लिंकिंग नंबर कांस्टेंट होता है, जो चेंज होते हैं वो ट्विस्ट और वृत्त आपस में चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिंकिंग नंबर 9 है, यहाँ पे लिंकिंग नंबर क्या है, 9 है। यहाँ ट्विस्ट का क्या बता रहा है कि ये 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ट्विस्ट 9 है। ओके, वृत्त क्या है, 0 है, वृत्त क्या है, 0 है। तो अब क्या है कि अगर ये क्लोज सर्कल बना ले तो क्या है, यहाँ पे वापस से लिंकिंग नंबर 9 है, ट्विस्ट क्या है, 9 है, और वृत्त क्या है, 0 है। अगर इसने एक निगेटिव वृत्त ले लिया, ओके, निगेटिव वृत्त ले लिया, तो अब क्या हो गई, लिंकिंग नंबर अभी भी 9 है, ट्विस्ट की वैल्यू बढ़ गई, ठीक, ट्विस्ट की वैल्यू बढ़ गई और वृत्त की वैल्यू कितनी हो गई, -1। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 10 प्लस -1 मिलके वापस से क्या दे रहा है, लिंकिंग नंबर 9 दे रहा है। ओके, अभी वापस से इसकी लिंकिंग नंबर देखेंगे, यहाँ पे एक क्या है, वृत्त, अगर इस कंडीशन में ये हो गया तो यहाँ पे वृत्त क्या है, यहाँ पे -1 है, ट्विस्ट 10 है, वापस से लिंकिंग नंबर यही कंडीशन में आ रहा है, ट्विस्ट 10 है, वृत्त -1 है, लिंकिंग नंबर जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, क्या है, कांस्टेंट रह रहा है, 9 का 9 ही बना रह रहा है। अब
एक और क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि टोपोलॉजिकल वाइंडिंग नंबर ऑफ अ 2 KB कोवेलेंट क्लोज सर्कुलर डीएनए वाज फाउंड टू बी 191 विथ अ रिथिंग नंबर ऑफ -4, हेंस इट्स लिंकिंग नंबर एंड नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न व्हेन द मॉलिक्यूल इज लेड फ्लैट ऑन द सर्फेस। निकालना है क्या क्या निकालना है, लिंकिंग नंबर निकालनी है और नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न निकालने। ओके, क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल लेंथ दी हुई है 2 KB, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2000 बेस पेयर। ओके, सिंपल है। अभी इसको क्या करेंगे, ट्विस्ट जो है वो दे रखा है 191। ओके, टोपोलॉजिकल वाइंडिंग नंबर करके बोल रखा है ना कि ट्विस्ट कितना है 191, और रिथ नंबर डायरेक्टली बताया कि -4 है। तो अब लिंकिंग नंबर क्या निकलेगी, 191 प्लस -4। ओके, अब ये कितना निकलेगा, 191 पे -4 करेंगे क्या आएगा, 187। क्या आएगा, 187, जो कि दो ऑप्शन में है, ए में भी है और डी में भी है, ए और डी दोनों में है। अभी क्या अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न, फिर डिसाइड हो जाएगा कि ए वाला ऑप्शन सही है या डी वाला ऑप्शन सही है। तो नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न का फॉर्मूला कहाँ मिलेगा अपने को मिलेगा एल के वाले फॉर्मूले में, नंबर ऑफ बेस पेयर अपॉन नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न, ये वाला है। अब अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है नीचे जो डिनोमिनेटर में है नंबर ऑफ बेस पेयर टर्न, तो हम इसको इधर भेजेंगे और एल के को कहाँ, इधर नीचे ले आएंगे। तो अगर जब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर टर्न को इधर ले लिया, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ बेस पेयर, जिसको हम मॉलिक्यूल लेंथ लिख रहे हैं, अपॉन लिंकिंग नंबर। ओके, अब ये हो गया सिंपल, 2000 बोला है मॉलिक्यूल लेंथ, तो 2000 हो गया। लिंकिंग नंबर कितना आया अपना, 187। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर रहे, ये आ रहा है 2000 डिवाइड बाई 187, ये आया 10.69। कितना आया है, 10.69। तो 10.69 किस ऑप्शन में है, डी में है या ए में है, ए में है ऑब्वियसली। तो ए में है तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा ये वाला, ए ऑप्शन। ओके, इजी है ना ये निकालना। अब बात करेंगे डीएनए टोपोलॉजी में इन्वॉल्व एंजाइम्स के बारे में। तो दो एंजाइम्स होते हैं जनरली, अगर बैक्टीरिया में है तो डीएनए गायरेज बोलते हैं उसको, अदरवाइज टोपो आइसोमरेज बोलते हैं, और इनका रोल होता है डीएनए रेप्लिकेशन में भी, ट्रांसक्रिप्शन में भी, रिकॉम्बिनेशन रिपेयर में भी, क्योंकि ये क्या करते हैं, डीएनए को रिलैक्स करने का काम करते हैं। जब भी ये प्रोसेसेस होते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या रिकॉम्बिनेशन रिपेयर, तो डीएनए गायरेजेस या टोपो आइसोमरेसिस का काम होता है वहां पे डीएनए को रिलैक्स करना, ताकि दूसरे जो एंजाइम्स हैं, फैक्टर्स हैं, कोफैक्टर्स हैं, वो वहां आके अटैच हो सके। तो दो टाइप के टोपो आइसोमरेज होते हैं, टोपो आइसोमरेज 1 और 2। डीएनए गायरेज जो होता है टोपो आइसोमरेज 2 का टाइप होता है, क्या होता है, टोपो आइसोमरेज 2 का टाइप होता है, और ये यूजुअली बैक्टीरिया में पाया जाता है। इनका काम क्या होता है, डीएनए के टोपोलॉजिकल स्टेट को रेगुलेट करना, जब इनको लूज करने की जरूरत हो, लाइक डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिकॉम्बिनेशन रिपेयर के टाइम में उनको डिटैच करना हो, तो ये गायरेजेस क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को लूज करते हैं, रिलैक्स करते हैं, वहां ओपन कर देते हैं, ताकि वहां पे क्या हो, दूसरी चीजें आके अटैच हो सके, वो फैक्टर्स एंजाइम्स आके अटैच हो सके। और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, तो इनका काम होता है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग या नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को बढ़ा देना वहां पे, ताकि वो वापस से अपने टाइटली बाउंड कंडीशन में आ जाए। उसके बाद ये लिंकिंग नंबर को चेंज करते हैं बाई 1 और बाई 2। अगर टोपो टाइप 1 टोपो आइसोमरेज है तो 1 से करता है, टाइप 2 है तो 2 से लिंकिंग नंबर को प्लस या माइनस कर सकता है, और ये टॉर्सनल स्ट्रेस को रिमूव करते हैं, रिलीव करते हैं डीएनए में। तो अभी हमने बात की कि टोपो आइसोमरेसिस दो तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में भी दो हैं, टाइप 1A और टाइप 1B, और टाइप 2 जो है, टाइप 2 आइसोमरेसिस है यूकैरियोट में। अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो हम वहां इसको डीएनए गायरेज बोलते हैं। तो टाइप 1 टोपो आइसोमरेसिस जो है,
वो क्या करते हैं, लिंकिंग नंबर को चेंज करते हैं वन से, प्लस माइनस वन, ओके। इसके अलावा ये निगेटिव सुपर कॉइलिंग को रिलैक्स करते हैं। कैसे करते हैं कि अगर ये डीएनए है, एक दूसरे कह रहा हूं, ओके, तो ये क्या करेंगे, किसी एक स्ट्रैंड को कट करके दूसरे स्ट्रैंड के अराउंड से उसको निकाल लेंगे। क्या लिखा है, डीएनए कट वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए हेलिक्स, पास द अदर स्ट्रैंड थ्रू द ब्रेक एंड देन रीसील द ब्रेक, ओके। तो इस तरह से ये टॉर्शनल स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद ये क्या है, टोपोआइसोमेरेज 2 जो है वो लिंकिंग नंबर को 2 से चेंज करता है, प्लस माइनस 2, ओके। ये बहुत निगेटिव सुपर कॉइल भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और पॉजिटिव सुपर कॉइल भी, और इसलिए ये यहाँ कहाँ यूज करते हैं, रिक्वायर द सेपरेशन ऑफ बोथ स्ट्रैंड, कहाँ यूज करेंगे, जहाँ दोनों स्ट्रैंड के सेपरेशन रिक्वायर हो, यहाँ पे एक ही कट कर रहा है या दोनों कट होंगे, और ये इसीलिए रेप्लिकेशन वगैरह जगहों पे यूज होता है, जहाँ पे दोनों स्ट्रैंड कट करके और उनको क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं उनकी सुपर कॉइलिंग को। तो इस तरह से जो है आपका टोपोलॉजी वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की। उसमें सबसे पहला शुरू होगा डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स की। वहां पे हम यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों की ही बात करेंगे कि उनमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस प्रोकैरियोट, फिर यूकैरियोट, और इस तरह से हम जो अपना सीरीज है वो कंटिन्यू करते रहेंगे। उम्मीद है आपको डीएनए टोपोलॉजी के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।